हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, तो आज हम बात करेंगे औसत के भाग तीन की। मतलब कि औसत की दो क्लासेस जो हैं हमने वो भाग एक और भाग दो में करके आपको पहले करा रखी है। तो आज हम बात करेंगे भाग तीन की। इसमें भी आपके औसत के ही क्वेश्चन हैं। तो बात करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 संख्याओं का औसत 72 है और अगली जो आपकी 35 संख्याएं हैं उनका औसत आपको 84 दिया हुआ है। तो हमको पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पूरी संख्याएं मतलब आगे की जो आपकी 25 संख्याएँ और उसके अगले आपकी जो 35 संख्याएँ हैं। तो हमने लिखा कि जो संख्या है आपकी वो 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 72, ये औसत दिया हुआ है 72, और आपकी जो अगली 35 संख्या है उनका औसत दिया हुआ है 84। तो यहाँ से हम औसत निकालेंगे। तो औसत का होता है आपका फॉर्मूला कि कुल योग बटे संख्याएँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 72। यहाँ से योग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25 गुणे 72 प्लस इधर आपका हो जाएगा 35 गुणे 84। बटे आप करेंगे तो संख्याएं यहाँ आपकी 25 संख्याएं ये हैं और 35 ये हैं, तो 25 प्लस 35 आपका हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा 25 गुणे 72 प्लस 35 गुणे 84 बटे आपका हो जाएगा 25 प्लस 35। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। 35 गुणे 84 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2940। फिर इनको ऐड करेंगे बटे आपका हो जाएगा 60। ऊपर वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो 1800 और 2940 मिलकर आपका हो जाएगा 4740। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 4740 बटे 60 40 है। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। यहाँ 6 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा 79। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि थोड़ा अनुपात से रिलेटेड है। तो इसमें हमसे पूछा है छोटे लड़के किया हो, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5, 5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर हमसे औसत आयु दी हुई है पहले तीन लड़कों की, तो हमने कुल आयु निकाला। तो तीन लड़कों की कुल आयु आपकी हो जाएगी 15 गुणे 3 मतलब कि 45 वर्ष। तो यहाँ से हमको मिल गई कुल आयु 45 वर्ष। उसके बाद अनुपात दिया हुआ है 3:5, 5:7, तो हमने लिख लिया 3:5, 5:7। फिर इनका अनुपातिक योग निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 15, 3, 5, 8 हो जाएगा, 8, 7, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपातिक योग आपका 15 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे तो अगर सबकी निकालें तो ये आपका हो जाएगा 45/15 करेंगे, कुल आयु बटे अनुपातिक योग करेंगे तो 3, मतलब कि जो हर एक हिस्से में है वो आपके 3 के हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पर हमसे सबसे छोटे लड़के के पूछा गया है, तो हम अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो 3 जो है वही सबसे आपका छोटा अनुपात है। तो मतलब जो 3 है वही आपके छोटे लड़के की आयु का है रेशियो। तो यहाँ 3 गुणे 3 कर देंगे तो आपका बन जाएगा 9 वर्ष। जैसे इसी तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, तो वहाँ हम मानते थे कि अनुपात, ये अनुपात को हम कैसे मान लेते थे, 3x, 5x और 7x ऐसे करके मान लेते थे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती थी वो आपकी x की आ जाती थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर छोटे लड़का की जो आयु दी हुई है वो आपकी 3x है, तो यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे, 3×3 हो जाएगा मतलब कि 9 वर्ष हो जाएगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा आपका 9 वर्ष। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्स मान के भी उसको सॉल्व कर लेते। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहले दिया हुआ है कि पहले हमसे पूछा है कि लड़कों में की संख्या बतानी है हमको कक्षा में। तो हमने माना कि लड़के की जो संख्या है लड़कों की वो एक्स है,
तो लड़कियों की संख्या यहाँ 50 छात्र दिए हुए हैं, अगर हमने लड़कों की संख्या x मान ली है तो लड़कियों की संख्या आपकी हो जाएगी 50 माइनस एक्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने लड़कों की संख्या x मान ली है तो लड़कियाँ जो हैं आपकी वो कुल छात्रों में से x को घटा देंगे, वही तो आपकी लड़कियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ से x हो गई लड़कों की संख्या और 50 माइनस एक्स हो गई आपकी लड़कियों की संख्या। तो इसमें बोला है कि औसत दिया हुआ है हमको, पहले तो ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 50 छात्रों का औसत अंक 72 है, तो इसको हम बराबर में लिख लेंगे, 50 × 72 हो जाएगा आपका कुल योग निकालेंगे तो। ओके, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको क्रमशः लड़कों का जो औसत दिया हुआ है वह दिया हुआ है 70 और लड़कियों का दिया हुआ है 75। तो यहाँ लड़कों का मतलब एक्स इंटू 70 हो जाएगा प्लस लड़कियों मतलब 50 माइनस एक्स इंटू 75 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 50 × 72। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स गुड़े 70 करेंगे तो आपका हो जाएगा 70x, उसके बाद 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो आपका हो जाएगा 3750, उसके बाद एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आपका 75x हो जाएगा, बराबर 50 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम ये 70 में से 75 घटाएंगे तो आपका बचेगा इधर माइनस का 5x, 3750 को वैसे ही लिख लेंगे, बराबर आपका 3600 हो जाएगा। फिर 5x को इधर ले आएंगे तो ये आपका मान लीजिए इसको प्लस ले लिया तो ये जो है आपका ये इधर प्लस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x = 3750 माइनस 3600। 3750 में हम 3600 घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, बचेगा जो आपका वो 150 बचेगा, तो 5x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 150, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 150/5 मतलब कि 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, मतलब जो लड़कों की संख्या है आपकी वह आपकी आ जाएगी यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ जो लड़कों की संख्या है आपकी वह आपकी 30 आ जाएगी। यहाँ हमसे लड़कों की संख्या पूछी है तो यहाँ 30 हो जाएगी, अगर हमसे लड़कियों के क्वेश्चन में पूछा होता है संख्या तो आपकी 50 माइनस 30 हो जाती है मतलब कि 20 आ जाते हैं, क्योंकि कुल लड़के आपके 50 कुछ छात्र जो हैं वो 50 हैं, तो इस हिसाब से आपकी लड़कियाँ जो हो जाती वो आपकी 20 हो जाती। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हमको पहले 20 परिणामों का दिया हो तो वही लॉजिक लगाएंगे हम, कुल योग तो आप निकालना आ ही गया होगा आप लोगों को इतने दिन से, आप ये दो तीन, हाँ ये तीसरी क्लास हो गई है तो तीन क्लासों में हमने ये औसत से ही जितने क्वेश्चन बनते हैं वही किए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को कुल योग तो एटलीस्ट निकालना आ ही गया होगा। तो यहाँ पर कुल योग निकालते हैं तो जैसे यहाँ पर है तो 30 × 20 हो जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद निकालेंगे तो अन्य का तो प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 20 × 30 हो जाएगा इधर से, तो ये बन जाएगा आपका 30 × 20 आपका 600 हो जाएगा, इधर भी 20 × 30 आपका 600 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के आपका 1200 हो जाएगा। तो औसत निकालेंगे तो कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है 30 परिणाम और 20 परिणाम मिला के आपका 50 हो गया, तो बटे 50 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 × 2 = 10, फिर यहाँ 2 बचेगा, 5 × 20, तो यहाँ से आपका 24 आ जाएगा, तो यहाँ से औसत जो निकल के आएगा वो आपका 24 आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कियों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करनी है, यहाँ औसत नहीं उनकी आयु ज्ञात करनी है 12वें लड़के। तो हम पहले 12 लड़कों की कुल आयु निकालेंगे तो 12 लड़कों की कुल आयु आपकी हो जाएगी 12 × 10, तो ये बन जाएगा आपका 120 वर्ष, मतलब 12 लड़कों की कुल आयु आपकी आ गई 120 वर्ष। उसके बाद दिया हुआ है 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 लड़कों की आयु का योग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 11 × 9, तो गिर नहीं है 99 मतलब कि 99 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर 12 लड़कों की कुल आयु दी हुई है, 11 लड़कों की कुल आयु दी हुई है, तो हम 12 में से अगर हम 11 को अगर घटा दें तो आपका जो एक लड़का बचेगा वही उस लड़के की आयु हो जाएगी 12वें लड़के की। तो यहाँ पर हम 12वें लड़के की आयु निकालेंगे तो जो 12 लड़कों की आयु है कुल माइनस करेंगे उसमें 11 लड़कों की कुल आयु, तो ये आपका हो जाएगा 120 माइनस 99, तो 120 में 99 घटाएंगे तो आपका 21 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12वें लड़की की जो है आपकी वो 21 वर्ष आ जाएगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अब, क्योंकि ये ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो क्वेश्चन एक आपस में रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 25A + 25B = 115 तो A, B और B का औसत क्या होगा।
तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25A + 25B बराबर आपका है 115। तो 25 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा A + B, A + B बराबर 115 हो जाएगा। तो A + B बराबर आपका हो जाएगा 115/25। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आपका जाएगा 4.6 बार। तो ये आपका A + B की वैल्यू आ जाएगी 4.6। तो इसका औसत निकालेंगे तो ये जो A + B की वैल्यू 4.6 जो आपकी निकल के आई है, ये निकल के आई है A और B के योग की। तो यहाँ पर हमको औसत निकालना है, तो A और B का औसत हो जाएगा आपका 4.6 × 2/2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ दो लोगों की बात की जा रही है, A और B की, तो यहाँ पर बटे 2 हो गया। 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.3। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.3। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 खर्च किए, जिनमें से लड़कों ने औसतन 150 खर्च किए। तो लड़कियों द्वारा खर्च की गई औसत राशि है। तो यहाँ पर हमको लड़कों का दिया हुआ है और लड़कियों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे औसतन भी दिया हुआ है, लड़कों का औसतन दिया हुआ है, तो हमको लड़कियों द्वारा खर्च की गई राशि बतानी है औसत। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कुल खर्च जो है आपका वह है 120 × 7। 7 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, तो 4 लड़के और 3 लड़कियाँ मिला के कुल लोग जो हुए आपके वो 7 हुए। तो यहाँ पर कुल खर्च आपका हो जाएगा 120 × 7, 12 × 7 = 84 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 840। तो यहाँ से आपका कुल खर्च निकल के आया 840। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो लड़कों का औसतन खर्च है वो है आपका 150। तो लड़के हैं आपके 4, तो इनका कुल खर्च निकालेंगे, कुल व्यय निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 150 × 4। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 600, मतलब इसका आ जाएगा आपका 600। उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा लड़कियों का। अगर हम निकालेंगे तो लड़कियों का अगर हमको निकालना है तो हमको ये तो पता नहीं है कि उनका औसतन खर्च कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि कुल जो खर्चा है पूरा लड़के लड़कियों को मिला के वो आपका निकला है 840। ओके, उसके बाद लड़कों का हमको पता चल गया कि कुल व्यय आपका 600 करते हैं। तो लड़कियां जो 840 में से अगर हम लड़कों की संख्या को घटा देंगे तो जो निकलेगा वो आपकी लड़कियां ही होंगी। तो यहाँ 840 में हम 600 घटाएंगे तो आपका 240 आ जाएगा, मतलब 3 लड़कियों का जो कुल खर्चा आएगा वो आपका 240 आ जाएगा। तो हम यहाँ से लड़कियों का औसत खर्च निकालेंगे तो 240/3 करना पड़ेगा, मतलब एक लड़की का निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80। 240 को भाग करेंगे 3 से तो आपका 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका लड़कियों का औसत खर्चा आपका 80 आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। औसत की आई थिंक आप कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन थे जिस प्रकार के वो हमने करा दिए हैं। बाकी के अगर भी अभी आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, ये मैम को बताना चाहिए था, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देंगे। वो क्वेश्चन नहीं तो और उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एवरेज की एक क्लास और आपको दी जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू।